मैंने जब ये काम शुरू किया था 1983 में स्टार्ट किया था, बीए सेकंड ईयर में पढ़ता था मैं, और घर वालों के अंगेज़ जाके मैंने ये काम शुरू किया था। तो ना तो मुझे पता था भाई तू इस उपलब्धि तक पहुँचेगा, ना मेरे घर वालों ने पता था। मेरे घर वाले तो ये समझते थे तू ज़मीन को ख़राब करके बच्चों को भूखा मारेगा। उनकी वर्निंग भी यही थी फादर की। जब मैंने उनसे फादर से ज़मीन मांगी तो उन्होंने यही कहा भाई तेरे ये ज़मीन के खड्डे खोद देगा, तेरे कल को बच्चे क्या खाएंगे। तो आज परमात्मा ने पूरे वर्ल्ड में मेरा नाम दिया है, अलग अलग तरीके से मेरे को अवार्ड मिले हैं, इंटरनेशनल, नेशनल और हमारे स्टेट और इसके डिस्ट्रिक्ट के, तो अनगिनत अवार्ड मुझे आज मिले हुए हैं। और सभी अवार्ड जितने भी हैं हमारे, कोई 3 लाख से लेके 25,000 से कम कोई अवार्ड नहीं है, सारे कैश अवार्ड है ये। तो नेशनल अवार्ड मेरे को 2006 में मिला था, और ये जो क्वालिटी समिट अवार्ड है USA से, वहाँ की सेमी गवर्नमेंट ने मुझे दिया था। अब ये जो जगजीवन राम किसान पुरस्कार है ये 2006 में मिला था। एक नई मछली का मैंने यहाँ पे प्रजनन किया था जो कि वो पॉसिबल नहीं थी, स्टैगनेट वाटर के अंदर मैंने उसका ब्रीडिंग कराया था, तो तब मुझे ये जगजीवन राम किसान पुरस्कार मिला था। तो ये जो बेस्ट साइंस का जो मुझे एक अवार्ड राष्ट्रपति जी ने भी दिया था, ये 2012 में मिला था। तो हमारे जो स्टेट के अवार्ड है तो हर साल मेरे को मिलते ही रहते हैं, ये 86 से लेके आज तक जो स्टेट अवार्ड है वो ही मुझे मिलता आ रहा है आज तक, स्टेट अवार्ड मुझे मिलता रहा है, आपको ही मिलता रहा। हाँ जी, परमानेंट। तो सर आप ये बताइए कि जो आपका गिनेस, हाँ ये देखो ये मेरा आउटलेट मैगजीन है, 2006 में एक मैंने जब वो मछली की सिंगाड़ा मछली की बिल्डिंग कराई थी तो उसके ऊपर पूरा का पूरा ये आर्टिकल छपा था। उसके साथ ही ये मेरे को USA क्वालिटी समिट अवार्ड लीडरशिप एक अवार्ड था, तो मुझे ये न्यूयॉर्क में दिया गया था, जो आज मैगजीन के ऊपर भी मेरा फ्रंट पेज पे फ़ोटो है। तो उसके बाद हमारा जो गिनीज बुक है उसमें भी मेरा ये नाम छपा हुआ है, ये मेरा गिनीज बुक में है। ये बुक के ऊपर ही है, बाहर ही लिखा हुआ मेरा, हाँ, सुल्तान सिंह एग्रीकल्चरलिस्ट। अंदर भी है मेरी पूरी बायोग्राफी है इसके अंदर, ये मेरी बायोग्राफी छपी हुई है। अभी जो मेरा सपना है पद्मश्री पाने का है, एक दो साल में पद्मश्री भी अवार्ड अप्लाई करूंगा और वो मैं 101% ले कर आऊँगा। काम मैं इसमें इतना अच्छा करूंगा जो गवर्नमेंट मुझे खुद बुला के देगी। हाँ, सभी भाई किसानों को मैं एक संदेश देना चाहूँगा, जिनके पास कम ज़मीन है और कंडम ज़मीन पड़ी है उसके अंदर आप मछली पालन करो, किसी भी तरीके की आपको जानकारी चाहिए तो मुझे कॉन्टैक्ट करो, उसके अंदर आपको सक्सेसफुल होगी, यही मेरा धन्यवाद है। थैंक यू, धन्यवाद।